आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं लक्ष्मी जी को आमंत्रित और कैसे दूर कर सकते हैं अलक्ष्मी को। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं का जिक्र किया गया है, जिनमें धन की देवी लक्ष्मी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जीवन में आने वाली निर्धनता और संपन्नता का उत्तरदायित्व देवी लक्ष्मी के ही पास है। आपको बता दें कि उन्हें क्रोधित करने वाला व्यक्ति दरिद्र हो जाता है और जिनके संबंध से वे प्रसन्न होती हैं उसे राजा बना देती हैं। हिंदू पुराणों में धन की देवी लक्ष्मी और उनकी क्रूर बहन अलक्ष्मी को समान रूप से मान्यता प्रदान की गई है, जहां एक और माता लक्ष्मी सौभाग्य और संबंधता की देवी करार दी गई हैं, वहीं अलक्ष्मी निर्धन अधर्म को जन्म देती हैं। जीवन जीने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है और उसी के साथ परिवार की खुशियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि घर में लक्ष्मी के प्रवेश को जितना ज़रूरी और महत्वपूर्ण माना जाता है, वहीं अलक्ष्मी को घर से दूर रखने की हर संभव कोशिश की जाती है और हर तरह की कोशिश की जाती है कि घर में खुशहाली बनी रहे। ऐसे ही कुछ शास्त्रीय उपाय हैं जिन्हें अपना कर आप अलक्ष्मी को घर से दूर कर सकते हैं। बात करें कार्य क्षेत्र या दुकान की, तो वहाँ पे रोज सुबह मोर पंख से झाड़ा करना अलक्ष्मी को दूर करता है। घर या दुकान से अलक्ष्मी को दूर करने के लिए एक नींबू और 7 मिर्च को मोली में बांधकर मुख्य द्वार पर टांग दें। अगर आपके पास कोई भी पुराना जूता हो तो उसे लेकर छत पर टांग दें। ऐसा करने से आपका घर किसी भी तरह के नकारात्मक चीजों से बचा रहेगा। अगर आपके पास एक काली हांडी हो तो उसे लेकर उस पर सिंदूर की सहायता से एक राक्षस का चित्र बनाएं और फिर उस हांडी को कुछ इस तरह लगाएं जिससे कि वो मुख्य द्वार पर दिखाई दे। आप अपने घर में देवी लक्ष्मी के बैठे हुए स्वरूप की छाया भी चित्र पे लगा सकते हैं, वो बहुत ही लाभदायक होता है। वहीं अगर आप देवी लक्ष्मी पर चढ़े 16 कमल को किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें तो आपको अच्छा लाभ होगा। माना यह जाता है कि हर अमावस्या पर घर में बचे हुए कूड़े या बेकार सामान को जलाकर नष्ट कर दें तो लक्ष्मी आपके घर से दूर नहीं होंगी। अधर्म और अलक्ष्मी को अपने घर और कार्य क्षेत्र से दूर करने के लिए ये सारे उपाय अवश्य अपनाएं। नेक्स्ट नाइट स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।